अस्सलामुअलैकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? स्टार्ट हो गई है क्लास? आ रही है ना आवाज? चलो जी, बेहतरीन हो गया जी। मेरा बच्चा इंटीग्रेटेड कैमरा ना, यूएसबी कैमरा। चलो जी, मैं भी आपको नजर आ रहा हूँ ऐसे ही है। अच्छा जी, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, कल हमने लास्ट क्लास में लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? अच्छा भाई, जरा सा हम वार्म अप करेंगे और फिर एक स्टेप आगे जाएंगे। तैयार हो? अच्छा जी सर, अपने पास एक छोटी सी हेडिंग डालोगे, दैट इज कॉल्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से? शॉर्ट टर्म नहीं, कौन से? लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी, और जो सुनना। सर कल क्लास में हमने देखा कि 2 और 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन सर अगर कॉन्ट्रैक्ट के 2 साल 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो तो ऐसे ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा खुबैब उससे? टाइम बेस पे तो नहीं चलते हम तो ये देख रहे थे कि कैमरा आ रहा है ना, नहीं भी आ रहा तो कोई मसला नहीं, छोड़ दो। ठीक है, अच्छा जी, चले जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हम तो स्टेज ऑफ कम्पलीशन कॉस्ट की बेसिस पे निकाल रहे थे, टाइम की बेसिस पे तो हम नहीं निकाल रहे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, अब देखना लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो जरा सुने। ठीक है जी, अब अज्यूम करें आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके, आपने जो है वो शादी वादी कर ली है, बेगम घर आ गई है आपके, और बेगम ने कहा भाई घर का काम तो मैं करूंगी नहीं। ठीक है जी, तो घर के काम के लिए आपको किसको रखना पड़ेगा? एक जबरदस्ती चौकसी मासी को रखना पड़ेगा। ऐसा अब आपने एक मासी को पकड़ा और कहा कि जी मासी आपने काम करना मेरे घर पे, मासी ने कहा भाई मैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में बिलीव करती हूँ, ठीक है जी, मैं शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे यकीन नहीं रखती। दूसरी बीवी कहाँ लाएगा मनुष्य? चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई, तू कॉलेज का ओनर नहीं है, यहाँ देख ले। ठीक है जी, यहाँ देख लो। अच्छा जी, तो किया ये कि आपने मतलब एक मासी से कांटेक्ट किया, मासी को कहा आपने कि प्यारी बहन आपने जो है वो हमारे घर आके काम करना है। मासी ने कहा मैं शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं करती हूँ, ठीक है जी, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना है तो बताएं। मासी के साथ आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कितने साल का? 3 साल का। 3 साल में आप घर तब्दील नहीं करोगे, 3 साल में उनको जो काम करना है आपने बता दिया कि यूनिफॉर्म में उनको एक ही जैसा काम करना है, रोज खाना बनाना है, पोछा लगाना है, जो छोटे मोटे काम है कपड़े धोने, ये उन्होंने। अच्छा, उन्होंने कहा भाई मैं आपसे चार्ज करूंगी पैसे से 3 सालों के 6 लाख रुपए। कितने? 6 लाख रुपए। ये इन्होंने चार्ज करना है मासी ने। क्या मासी इधर सर्विस प्रोवाइडर है? यस सर। क्या मासी ने लॉन्ग टर्म सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट किया है? क्या मासी की सर्विसेज यूनिफॉर्म नेचर की हैं? यूनिफॉर्म नेचर की का मतलब अच्छा एक ही जैसी सर्विसेज हैं जो यूनिफॉर्म में मिलती रहेंगी। क्या मासी को एक 6 लाख रुपयों को आपको नहीं लगता यूनिफॉर्मली रेवेन्यू में लेके जाना चाहिए? ऐसा यूनिफॉर्मली यहाँ स्टेज ऑफ कम्पलीशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेज ऑफ कम्पलीशन क्यों कैलकुलेट नहीं करना? रोज एक जितना काम हो रहा है तो सीधा सीधा इसको 3 से डिवाइड कर दो तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 साल का रेवेन्यू कितना है। अच्छा जी सर, अब सुनना, मासी की अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, अज्यूम करना हम मासी हैं। मासी ने देखा भाई रेवेन्यू 3 सालों पे स्प्रेड हो रहा है तो कितना? 2 लाख रुपए। अब और सुनो, तो मासी हर साल रेवेन्यू कितना बुक करेंगे? 2 लाख रुपए का। ऐसा क्या लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू यूनिफॉर्मली बुक होता है? क्या लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू यूनिफॉर्मली बुक होता है? सर अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता तो हम रेवेन्यू कैसे बुक करते? स्टेज ऑफ कंप्लीशन से। किससे? स्टेज ऑफ कंप्लीशन से। याद आ रहा है कल जो सीखा था? स्टेज ऑफ कंप्लीशन से। इसमें कैसे बुक करोगे? यूनिफॉर्मली, यानी आपने सीधा सीधा उठाना है रेवेन्यू को और डिवाइड कर देना है उसको या नंबर ऑफ ईयर से या नंबर ऑफ मंथ से या नंबर ऑफ डेज से जो आपको एग्जाम में गिवन है। ऐसा अब बताएं सर, इस मासी को करना क्या चाहिए? हर साल 2 लाख का रेवेन्यू बुक करना चाहिए। ऐसा लॉन्ग टर्म
लॉन्ग टर्म का मतलब होता है एक साल से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं, सर आपने कभी किसी कंपनी ने सॉफ्टवेयर खरीदा, इसके बारे में सुना है, कंपनी ने सॉफ्टवेयर खरीदा, सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद उसको मेंटेनेंस सर्विसेज मिलती है, क्या मिलती है? मेंटेनेंस सर्विसेज। जो कंपनी मेंटेनेंस सर्विसेज देती है, जो कंपनी मेंटेनेंस सर्विसेज देती है, मैं नाम लिखता जाऊंगा, जो कंपनी मेंटेनेंस सर्विसेज देती है, क्या उनको अपना रेवेन्यू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन बेसिस पे यानी के यूनिफॉर्मली बुक करना चाहिए? यस सर। सर जो कंपनी केबल सर्विसेज देती हैं, जो कंपनी केबल सर्विसेज देती हैं, ठीक है जी, उनके केबल में एक ही जैसी चीजें आ रही होती हैं रोज रोज, ठीक है जी, तो मुझे बताओ क्या उनको भी रेवेन्यू ओवर द पीरियड स्ट्रेट लाइन पे बुक करना चाहिए, यूनिफॉर्मली बुक करना चाहिए? यस सर। सर और तो सुनना, एआरटीटी में एक बंदा आता है, वो हमसे सर कोई साल के 2,00,000 रुपए चार्ज करता है और हमारे सारे एसी ठीक करता है, ठीक है जी। एसी जब खराब होगा हम जिम्मेदार नहीं है, वो खुद काम करेगा, खुद उसकी मेंटेनेंस देखेगा। तो मुझे एक बात बताओ, वो हमसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या ऐसी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में वो रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन बेसिस पे यानी यूनिफॉर्मली बुक कर सकता है? यस सर। सर अगर मुझे एक पुल बनाने का मौका मिले, ब्रिज बनाने का मौका मिले, तो मुझे बताओ ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है? क्या यहाँ भी रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन बेसिस पे बुक होगा? नहीं सर, ये ब्रिज बनाने में तो आप जिस साल ज्यादा काम करोगे उस साल ज्यादा रेवेन्यू, जिस साल कम काम करोगे उस साल कम रेवेन्यू, लेकिन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में काम कैसे होता है? यूनिफॉर्मली होता है। क्या खर्चा भी यूनिफॉर्मली लगता है? क्या हर साल खर्चा भी सेम ही लगेगा? एक मेंटेनेंस करने वाला जो एआरटीडी में मेंटेनेंस करता है, क्या उसका जो खर्चा वो इनकर करता है वो भी यूनिफॉर्म होगा? नहीं सर, किसी साल उसका खर्चा ज्यादा भी हो सकता है, किसी साल कम भी हो सकता है, लेकिन उसका रेवेन्यू क्या होगा वो यूनिफॉर्म होगा। कभी ऐसे हो सकता है ना, ऐसी 10 खराब हो गए, इसी महीने में 12 खराब हो गए। अच्छा केबल वाला है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है जी, पहले उसको केबल की कॉस्ट पीछे से पड़ रही थी कम, अब इस साल ज्यादा हो गई है, लेकिन हमारा तो अग्रीमेंट उससे यूनिफॉर्म है ना। तो बताओ लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू यूनिफॉर्मली बुक होगा, कॉस्ट यूनिफॉर्मली बुक? तो जो कॉस्ट सवाल में गिवन होगी आपने उसको पीएनएल में डाल देना है। ऐसा अगर मैं एक सवाल आपको कराऊं, बताओ स्टेज ऑफ कंप्लीशन किसमें बुक, किसमें यूज करना है? लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, किसमें? लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में। और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है? यूनिफॉर्मली रेवेन्यू बुक करना। क्लियर है? क्या मैं ये इतना समझा पाया हूं? अब बताओ अगर मैं आपको उसके ऊपर एक सवाल दूं तो कर लोगे? इसको नोट कर लो, उसको नोट कर लो, उसको नोट कर लो। नोट ऐसे करो कि मैं आपको छोटी सी ना समरी लिख के दे देता हूं। लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, आपने रेवेन्यू बुक करना है, रेवेन्यू एज पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ऑन यूनिफॉर्म, ऐसा स्टेज ऑफ कंप्लीशन बेटा, सीमा स्टेज ऑफ कंप्लीशन। बढ़े आगे, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होता जाएगा, रेवेन्यू यूनिफॉर्म रहेगा। स्टेज ऑफ कंप्लीशन का मतलब जितना कंप्लीट हो गया उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया जाए। आमना बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा तुम, है ना, बिल्कुल सही कह रही हूँ। एक बात कंफर्म कर दें कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन वो है ना जो स्टेप्स में किया था हमने, बिल्कुल सही कह रहे हो बरीका, बिल्कुल सही कह रही जी। बड़े चले जी, आए जरा, मुझे एक सवाल आपने सॉल्व करके देना है, सॉल्व करके देना है और देना है और देना है। सर ये ग्रिपिंग गैप का क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीकन बुक है उसका क्वेश्चन है, आपने इसमें कुछ चीजें इग्नोर करनी है क्योंकि हमारे कोर्स में कुछ चीजें हैं कुछ नहीं है, ठीक है। आपने मुझे सिर्फ पीएनएल बना के देना है, ना आपने मुझे जनरल एंट्रीज बना के देनी है, ना आपने मुझे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के देना है। शाबाश, शुरू हो जाओ।
कॉज दोनों में अनसर्टन होती है। जैन बिल्कुल सही कह रहे हो। ऑर्गेनाइज्ड बहुत है उनका सीन, माना जाता है उनके सीन। हाँ हाँ भाई, दुनिया में सबसे बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बाद बाकी आते हैं। कनाडा में चार्टर्ड अकाउंटेंसी दो दो सीजी है और वो सीपी है, वहां पे दो। यार सिमा ने इंटरनेशनली बहुत जबरदस्त स्टार्ट लिया था, देन आप फिर पीछे हो गया वो। हाँ 75% पासिंग परसेंटेज है उसका, 75 है शायद, ये मुझे याद आ रहा है कि 70 है, 75 है, 50 नहीं है, 70 है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो सुफियान, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। जी मेरे बच्चों, यार मुझे एक बात बताओ, जो वैक्सीनेशन है ये क्या प्राइवेट लगवाई जा सकती है क्या? 11,000 रुपए की है? कहाँ कहाँ से लग रही है? एक नहीं, वो एज वाले पे लंबा हो जाएगा कहानी यार। है? क्यों? आगा खान से 8,000, साउथ सिटी हॉस्पिटल, साउथ वेस्ट हॉस्पिटल। यार मैं कल ही जाके लगवा लूंगा यार, क्योंकि मेरा एक्सपोजर बहुत है यार लोगों के साथ बातचीत करना, और मतलब पांच। हाँ तो तेरे माँ बाप डॉक्टर इतना जली सर प्राइवेट में रशिया वाली लग रही है, उसके रिव्यूज कुछ अच्छे नहीं है। अच्छा चाइना की ज्यादा अच्छी है। तो यार मैं अजरबैजान वाली लगवा लूंगा वैक्सीन, वो तो कभी 20 साल में भी नहीं लगाऊंगा। वेंटिलेटर बहुत क्लास के बनाया यार, जी एनईडी के लड़कों ने बनाया। चलो जी बढ़िया जी, मैं कराऊं उसको, बताएं सर मेरे पास रेवेन्यू पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल रेवेन्यू कितना जी, कैसे? 2,25,000 का टोटल रेवेन्यू है डिवाइडेड बाय 3, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,25 है, 75। सर सवाल तो पढ़ लें, ये कह रहे जरा मिकी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड मार्क्स मेंटेनेंस मैन लिमिटेड, ठीक है जी। अ कंपनी स्पेशलाइज्ड इन मेंटेनेंस ऑफ लार्ज मशीनरी टू मेंटेन ऑल अर्थ मूविंग इक्विपमेंट फॉर 3 ईयर्स। उर्दू जुबान में इसका मतलब ये है कि हमने किसी मशीनों की मेंटेनेंस किसी को दी है, वो मशीनें जो भी हैं वो छोड़ दो, ठीक है जी। हमने मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया, मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट में है क्या? 2,25,000 रुपये टोटल फी है, ठीक है जी। खर्चा कितना होगा सर? खर्चा पहले साल 30 हुआ, दूसरे साल 45 हुआ, तीसरे साल सत्यानाश होगा, खर्चा इतना ज्यादा हो गया, ठीक है जी। खर्चा यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है जी। खर्चे का पता भी नहीं होता, कभी एक होता है घर में, कभी दो होते हैं, खर्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं जी।
कॉस्ट कितना भैया? ऐसा नहीं, नहीं वो असल में कहता है कि यार रेवेन्यू शुरू में सारा मिल गया था तो उसकी एंट्री बनती है कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है ना, उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा अभी, थोड़ा सा आगे जाके मैं जनरल एंट्रीज पे जाऊंगा, लेकिन मैं पहले कोर कॉन्सेप्ट जहन में बिठा दूं ना, जिस तरीके से मैं स्टैंडर्ड को लेकर चलना चाह रहा हूँ, जो एक एक दिमाग बनाना चाह रहा हूँ ना, वो बन गया ना, फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, फिर मसला नहीं होगा, ठीक है ना जी जनाब। 45,000 का प्रॉफिट, फिर 30,000 का प्रॉफिट और फिर जीरो, ऐसा ऐसे ही मेरे बच्चों, पक्का बड़े एक स्टेप आगे जाएं, एक स्टेप आगे, सवाल दूं एक छोटा सा करके दोगे? इसका पीएनएल भी बनाना, ये पीएनएल ही है बेटा, रेवेन्यू कॉस्ट ये पीएनएल ही है, बस इतना सा पीएनएल, हाँ इतना सा पीएनएल, ये तो इस पे तो बनाने की जरूरत नहीं है ना, एजेट वहां तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन का मसला था तो हम एजेट बनाते थे, इधर तो सीधा सीधा तीनों सालों का 75 75 75 फॉर द ईयर डायरेक्ट बना लो, सेट है ना, उसके अंदर बेटा ना मसला ही आ रहा था कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी, हर साल रेवेन्यू चेंज भी हो रहा था, तो हमें क्या बनाना पड़ा एज एट, ठीक है जी। जनरल एंट्रीज में कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, बिल्कुल मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द जनरल एंट्रीज, थोड़ा सा रुक जाओ, हम आगे जाके बिल्कुल करेंगे इसको, कल वाले तरीके से नहीं कर सकते। देखो जो अभी इतना हमने बहस किया कि जब सर्विस हो तो उसमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी, गलत हो जाएगा वो, सेट हो गया सर। कल जो पीडीएफ शेयर की थी उसमें एरर था, दोबारा शेयर कर दीजिएगा, ऐसा है, चलो मैं दोबारा शेयर कर दूँ, दोबारा शेयर कर दूँ, कोई टेंशन नहीं, तो उस वक्त तो किसी ने नहीं बोला मुझे। अच्छा जी चलो, अब आओ जरा प्यारे भाई, मैं एक छोटा सा सवाल आपको दे रहा हूँ, आपने मुझे सवाल सॉल्व करके देना है। सर एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा? ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है सर, इसमें टोटल रेवेन्यू है 1,00,000 का, अब तक कॉस्ट लग चुकी है 15,000 रुपए की, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है 45,000 रुपए की, मुझे इस साल का पीएनएल बना के दो शाबाश। स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालोगे इसके अंदर? हाँ निकालेंगे, क्यों? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है सर, कैसे निकालोगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन? 15 / 60 राइट है, शाबाश, करके दो करके दो करके दो करके दो करके दो करो उधर एक मिनट। Thank you.
जी मेरा बच्चा डन पक्का। क्या आई स्टेज ऑफ कंप्लीशन? 25% आई, वेरी गुड सर। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, बताओ हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप मेरा बच्चा हमारे पास ये होता है कि हम निकालते हैं ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है जी। बताओ रेवेन्यू कितना है हमारे पास? 1,00,000। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट पे तुम्हें अब तक खर्चा कितना कर चुके हो तुम? 15,000। फिर बताओ हमारे पास फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 45,000। तो सर हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो, तो बताओ क्या हम इसको IFRS 15 में रखें या बाहर निकाल दें? रखिए सर IFRS 15 में। सर मेरे पास स्टेप टू क्या करूं मैं? स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल ले। कैसे वहां में इसमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना मेरा बच्चा क्यों जरूरी है? वेरी गुड सर, इसमें रेवेन्यू यूनिफॉर्म इसलिए बुक नहीं कर सकते कि किसी साल ज्यादा काम हो सकता है, किसी साल कम काम हो सकता है। तो हमने यहाँ क्या करना है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी है। कैसे? कितना जी? 15,000 डिवाइडेड बाय 60,000, ऐसा कितना आ रहा है? 25%। ऐसा तो मुझे बताए मेरा स्टेप थ्री एज एट PNL कैसे निकालोगे? रेवेन्यू 25% ऑफ 1,00,000 कितना? 25,000। तुम्हें रात को 2 बजे नींद से उठाए और चमाटे लगाए और कहे कि बताओ स्टेप्स क्या हैं, तो तुम्हें याद होने चाहिए। 25% ऑफ टोटल 60,000 कितने जी? सेम 15,000। प्रॉफिट 10,000। अब बताओ सर आप ये सवाल कर रहे थे, जब आप ये सवाल कर रहे थे आपने एक चीज नोट ही नहीं की, आप ये सवाल कर रहे थे आपने एक चीज नोट ही नहीं की। एग्जामिनर ने इधर छोटा सा लिखा था स्टेज ऑफ कंप्लीशन 20%, आपने नोट ही नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो अलग आ रहा हो, एग्जामिनर अलग दे दे? ये हो सकता है? हैं, हो सकता है? ये बताओ, हमने कैलकुलेट किया 25, एग्जामिनर ने कहा 20, हमने कहा ही का अरे साला, हम तुम्हारा माने कि अपना करें? अच्छा हमें अपना ज्यादा सही लग रहा है, लेकिन हो सकता है ना एग्जामिनर गलत होगा तो हम ठीक कर देंगे। अब सुनो जरा दोस्त, सुनो मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है ना वो दो तरह से कैलकुलेट होती है। कितने तरीके से? दो तरह से। किन दो तरीकों से? सर एक होता है जनाब हमारे पास इनपुट मेथड। कौन सा इनपुट मेथड? दूसरा आउटपुट मेथड। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सुनो, मुझे मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस बिल्डिंग के 5 फ्लोर थे। कितने? 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। सर मुझे एक बात बता, सबसे ज्यादा खर्चा नवीद ना फवाद, सबसे ज्यादा खर्चा फवाद मेरा बच्चा किस फ्लोर बनाने पे होगा? कौन से फ्लोर बनाया जाए? ऑब्वियसली पहला फ्लोर बनाने पे। क्यों? वो कह रहा है दूसरा फ्लोर। भाई दूसरा क्यों? पहला फ्लोर बनाने पे होगा ना। पहले पे आप जो है वो ग्राउंड के लिए फाउंडेशन डालोगे, सरिये का डालोगे जमीन के अंदर, फिर आप बेस बनाओगे, फिर उस पर पहला फ्लोर आएगा। तो सर मुझे एक बात बताएं, अगर मैं खर्चे के हिसाब से देखूं तो हमने जब पहला फ्लोर अज्यूम करें कंप्लीट किया तो हमारा खर्चा 25% हो चुका था।
लेकिन अगर कोई पूछे बिल्डिंग कितनी कंप्लीट है, तो मैं कहूंगा 5 में से एक फ्लोर बना है, यानी कि बिल्डिंग कितनी कंप्लीट है, 20% कंप्लीट है। लेकिन अगर खर्चे के हिसाब से देखो तो बताओ सर दोनों में से सही तरीका कौन सा है, खर्चे के हिसाब से देखें या आउटपुट के हिसाब से देखें? सर दोनों आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि आपने जो चलाने चलाओ, या तो खर्चे के हिसाब से कैलकुलेट करो या जगह के हिसाब से। मिसाल के तौर पर अगर बिल्डिंग के दो फ्लोर बन चुके हैं तो हम कहेंगे 40% कंप्लीट हो गए बिल्डिंग, कॉस्ट से चलना है कॉस्ट से चलो। जब एग्जामिनर ने आपको कॉस्ट वाला मेथड देना होगा तो वो आपको कभी स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं बताएगा, आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज एग्जामिनर बाज़ औक़ात पेपर में स्टेज ऑफ कंप्लीशन दे देता है, इसका मतलब एग्जामिनर चाह रहा है कि आप खुद से स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट नहीं करो। जब एग्जामिनर स्टेज ऑफ कंप्लीशन देगा तो फिर क्या करना है आपने, उसके हिसाब से चलना है, फिर अपनी डेढ़ होशियारी नहीं करनी है। जब एग्जामिनर कह रहा है 20%, हमने कहा चलो ऐसी चेक करते हैं क्या आ रहा है, हमारा आया 25%। हमने एग्जामिनर को एक लानत का निशान बनाया, हमने कहा तुम्हें ये नहीं आता, ठीक है जी ये नहीं करना है हमने। अगर एग्जामिनर स्टेज ऑफ कम्प्लीशन देगा क्या करना है, उसकी स्टेज ऑफ कम्प्लीशन को फॉलो करना है, अगर नहीं होगा तो फिर कॉस्ट से निकालेंगे। ऐसा है? अब बताओ अगर मैं एक सवाल कर रहा हूँ और एग्जामिनर ने स्टेज ऑफ कम्प्लीशन दी हुई है तो क्या मुझे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है स्टेज ऑफ कम्प्लीशन निकालने की? नहीं। और अगर हमारी स्टेज ऑफ कम्प्लीशन हमें सुलेमानी कीड़े ने चक मारा और हमने निकाल लिया तो क्या करें उसको? इग्नोर करो उसको, क्यों लड़ाई नहीं करनी उससे, ठीक है जी? पक्का पक्का जी। अब बताओ सर ये जो ऊपर आपने सवाल किया है, ये जो ऊपर आपने सवाल किया है, अगर एग्जामिनर ने स्टेज ऑफ कम्प्लीशन दी होती 20% तो हम वो फॉलो करते या 25% फॉलो करते? 20% फॉलो करते, 20% फॉलो करते। क्या मैंने इतना स्पेसिफिक जवाब आपको दे दिया कि एग्जामिनर जब भी स्टेज ऑफ कम्प्लीशन देगा आपको खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है? अगर एग्जामिनर नहीं देगा तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट से, ऐसा है? अच्छा आप लोग इस फैक्ट को, ये इलस्ट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस छाप लो अपने दिमाग में, ठीक है? लिख लो व्हेनेवर स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज, ये लिख लेना कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग टू मेथड्स, इनपुट मेथड दैट इज कॉस्ट। हाँ 20% के हिसाब से हमारा प्रॉफिट कम बुक होता, ऑब्वियस सी बात है, रेवेन्यू भी कम बुक होता, कॉस्ट भी कम बुक होती, प्रॉफिट भी कम बुक होता। कितने घंटे रह गए? डेढ़ रह गया, जब मैं क्लास शुरू की तो 3.25 घंटे थे ना, नहीं वो वाले 4.25 घंटे थे। इनपुट मेथड कॉस्ट वाला है बिल्कुल उजैफा, इनपुट मेथड 25% वाला है बिल्कुल 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 बिल्कुल। मोर मोर द टाइम ही खुल जाता, मतलब उसमें शीशे से ही खुलता हूँ, मतलब कल में चला गया, कष्ट मारा हो अंदर बस खत्म है। लेकिन निहार मुंह शीशे का मजा ही अलग होता है। एग्जामिनर देगा बिल्कुल बिल्कुल, जयान बिल्कुल सही कह रहे हो। आउटपुट मेथड का मतलब है बिल्डिंग कितनी कंप्लीट हो चुकी है, वेरी गुड बिल्कुल सैयद मोहम्मद बिन गौहर बिल्कुल। इतने बड़े बड़े नाम तुम लोग रख लेते हो, पहले मुझे हैरानगी होती थी जब मुझे, अभी मेरा बेटा पैदा हुआ तो सबने अपनी अपनी मर्जी का नाम उसके नाम में घुसा दिया उसका, वैसे उसको हम अर्थरुल कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसका पूरा नाम है मोहम्मद उमर अली अर्थरुल, ठीक है ना। अली जो है वो हमारे खानदान के बच्चे पहले बैत का नाम आता, जो मेरी वाइफ है उन्होंने कहा इसका नाम उमर होगा, हमने दोनों घुसा दिए। फिर मोहम्मद जो है वो तो कॉमन है, वो तो आना ही आना है, अल्लाह के नबी के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखने ही रखने हमने, तो वो आ गया। फिर अर्थरुल जो है वो चल रहा था, ट्रेंड में चल रहा था, हमने उसको भी घुसा दिया, ठीक है ना। हाँ नहीं कानूनी नाम है भाई उसका पूरा नाम अर्थरुल वो है ना, मतलब वो मामा का क्या मतलब, तो फिर वो कैरेक्टर नाम है साबी का नाम, कैरेक्टर नहीं थे वो, मतलब वली थे अल्लाह के बहुत बड़े। 5:45 पे ऑफ कर दीजिएगा, पिछली दफा भी नमाज और पिछली दफा भी रोजा अंगूठा चूस के खोला है। अच्छा
चलो चलो जी, बढ़िया माँ जी। आओ बेटा, अगर ऐसा सवाल जिसमें एग्जामिनर ने स्टेज ऑफ कंपटीशन दी हो। अच्छा भाई देखो, कैफ के एग्जाम ऑनलाइन 99.99% है कि नहीं होंगे, ठीक है ना, लेकिन वो जो 1% है ना उसको हम कैटर करेंगे। बहुत टाइम है, और दूसरा ये कि वैक्सीनेशन जब तक हो चुकी होगी, ठीक है ना, क्योंकि इनका अगला टारगेट है कि 3 महीने में वैक्सीनेशन कंप्लीट करनी है। हमें एसओसी कैलकुलेट भी नहीं नहीं करके दिखानी होगी। बिल्कुल सही कह रहा है, हमें बिल्कुल नहीं करके दिखानी पड़ेगी अगर एग्जामिनर ने दिया हुआ। अच्छा देखो, यहाँ पर ना एग्जामिनर से जो कंपटीशन दिया हुआ है, ये रहा 20%, 56%, 100%। डू वी नीड टू कैलकुलेट? नो सर, वी डोंट नीड टू कैलकुलेट द स्टेज ऑफ कंपटीशन। कुछ भी नहीं करना है, हमने सिर्फ उसको अप्लाई करना है। पीएल बनाने, पीएल का मतलब हमेशा फॉर द ईयर होता है, और फॉर द ईयर बनाने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए होगा? हैजर्ड चाहिए होगा। यानी जब वो कहे ना पीएल बनाना है, तो हमें वो चारों काम करने, ठीक है ना, चारों काम दिखाने से कुछ प्रॉपर नहीं, इसमें से दो दिखा दिया करो, चारों ही दिखाने भाई।
हाँ जी डन पक्का सेकंड ईयर में लॉस आ रहा है। अच्छा सेकंड ईयर में देखो उस बंदे का लॉस आ रहा होगा जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट रीड कर रहा है, ठीक है ना। ये बेवकूफी अगर किसी से हुई है तो है? हुई थी सही कर दी। चलो अब आओ तुम्हें जादू दिखाएं।
सबसे पहले मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं और आप मुझे बताओ कि मेरे पास स्टेप वन ओवरऑल प्रॉफिट ऐसा यही है मेरे पास सर, ईयर वन, ईयर टू और ईयर थ्री, ठीक है, जिंदगी सुकून में। बताओ मेरे पास रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू है मेरे पास सर 12,450। नहीं सर, नहीं नहीं, ये मेरे लिए बेकार है, 12,600। ठीक है जी, कॉस्ट टू डेट कितनी? 2,394। फिर फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, सर फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? सर वो नहीं पता, लेकिन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 9,576 टोटल कॉस्ट है, एंड दिस टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स दिस अमाउंट, ऐसा तो 9,576 ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास ये प्रॉफिट हो गया 3,024 ऐसा। कितने लोगों ने ये सही कैलकुलेट कर लिया था? पक्का ऐसा ही है, मजा आ रहा है, इसके अंदर सुकून है। सर स्टेप टू स्टेज ऑफ कंप्लीशन सर दिया हुआ है, सर दिया हुआ कितना? 20% ऐसा, यही है। अब बता सर मेरे पास एज एट PLN, बताओ एज एट PLN में हम क्या करें? रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू का 20% ऐसा, इतना आ रहा है। कॉस्ट, दो कॉस्ट को पहले ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दो, और फिर इसका कितना ले लो? 20% पक्का। अब बता सर इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना? या तो इनको नेट कर लो या टोटल का 20% दे सकते हो, ऐसा यही है बाबू। कितने लोगों ने ये सही से निकाल लिया था? 604 आ रहे, किसी का 605 आ रहा, डजंट मैटर। अब बताओ सर एज एट पीएल के बाद हम क्या करेंगे? और 124 आ रहा है, क्यों? वो टोटल ले लिया था, चलो खैर कोई मसला नहीं। अब बताओ ये वाला तो ऐसे ही छाप लेंगे हम। रेवेन्यू कितना? 2,520। कॉस्ट कितना? 1,915। प्रॉफिट यही है बाबू। अब सुनो 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 सुनो, ये मेरे पास पहला साल कंप्लीट, पहला साल कंप्लीट। अब बताओ हमारे पास दूसरे साल में, अब बताओ रेवेन्यू कितना? 12,800 पक्का। कॉस्ट 5,990 पक्का। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 9,984 माइनस, ये आ गया, यही है बाबू। 56% कंप्लीट है, पक्का पक्का। अब बताओ इसके हिसाब से रेवेन्यू 56% और 12,800 कॉस्ट ऐसा, प्रॉफिट यही है पक्का। एज एट PNL बनता जा रहा है। अब बताओ एज एट से फॉर द ईयर निकालना है, आज के एज एट से लास्ट वाला एज एट माइनस करोगे रेवेन्यू आ जाएगा, आज के एज एट से लास्ट वाला फॉर द ईयर माइनस करोगे, लास्ट वाला एज एट माइनस करोगे फॉर द ईयर आ जाएगा, आज वाले एज एट से लास्ट वाला एज एट माइनस करोगे प्रॉफिट आ जाएगा पक्का। अब बताओ इसके बाद ईयर थ्री रेवेन्यू कितना? 13,200 पक्का। अब बताओ कॉस्ट 10,248। स्टेज ऑफ कंप्लीशन फिर है, चेक कर लो बस तुम लोग, है मामा सेट है बेटा। हाँ परसेंटेज, वहां भी हम परसेंट ले रहे थे ना, उसका परसेंट कॉस्ट के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा,
ठीक है ना। हाँ जी सर, आज के एज एट को लास्ट एज एट से माइनस करने के पीछे की क्या लॉजिक है? देखो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि मैं तुम्हें कहता हूँ जी, जैसे मिसाल के तौर पर आज मुझे दो थप्पड़ पड़े, तो फॉर द डे भी दो थप्पड़ हैं और एज एट भी दो थप्पड़ हैं, और अगले दिन सर मुझे टोटल पांच थप्पड़ पड़े, तो बताओ सर हमारे पास एज एट कितने हो गए? पांच हो गए। लास्ट एज एट कितना था? दो था। तो फॉर द ईयर निकालना था, हम क्या करें? दो एज एट्स को कंपेयर कर लो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि चेंज कितना आया। ऐसा तो मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ भाई लास्ट ईयर तक रेवेन्यू बुक हो गया था 2520, इस साल तक बुक हो जाना चाहिए 7168, तो इस साल मजीद कितना रेवेन्यू हमने बुक करना है? मजीद सेट हो गया। चलो जी, आई हैव टू क्वेश्चंस, प्लीज आंसर जल्दी से पूछ लो मेरा बच्चा। सर जी हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसका नेचर ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। अच्छा बरीका, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है यस। अगर आउटपुट मेथड होगा तो हमने एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट मांगेगा, तो वन और टू स्किप करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं। कल क्लास है आपकी? नहीं कल हमने नहीं रखी है ना क्लास, कल रखी है? नहीं कल नहीं रखी है, कल नहीं रखी, अभी ईद के बाद होगी, आज के बाद, ईद के बाद। एज एट पीएल में कॉस्ट कैसे निकाली? परसेंटेज से लाया, परसेंटेज से, स्टेज ऑफ कंप्लीशन को परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, टोटल कॉस्ट ली उसको स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं कल कॉस्टिंग होगी, कल ऑडिट होगी, कल मेरी मतलब मैं कल एक ही क्लास दूंगा, क्योंकि मैंने पूरे रमजान बैठ के सिर्फ रिकॉर्डिंग की है, लेक्चर रिकॉर्ड कराए, एक दिन भी मैं जो है वो जरा बाहर मतलब कपड़े लेने तो जूते लेने तो छोड़ो, मैं कुछ भी लेने निकला हूँ। अब फायदा नहीं, मेरा फायदा है ना, मेरे जो जूते देने वाले हैं वो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनके पास जाऊँगा उनसे जूते ले लूंगा, ठीक है ना। कपड़े काशिप दिला देता है, ईद के कपड़े काशिप देता है मुझे, उससे जाके काशिप से वो पकड़ लूंगा। हैं नहीं नहीं मतलब हर साल देता है मुझे वो यार, उसका मेरा अपना हिसाब है कुछ यार, उसका मेरा अपना हिसाब है कुछ। चलो जी, मैं तो इससे ही हूँ, जमा करके ईदी बन निकल आती है बस, और क्या है, नमाज ही पढ़नी है। ईदी तारक मेहता का उल्टा चश्मा से आएगी? नहीं नहीं भाई, हमारी ईदी जो एसओसी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वो आउटपुट मेथड से दिया हुआ होगा। देखो दिया हुआ है तो चाहे उसे किसी भी मेथड से दे, आपको वो यूज करना है बस। एआरटीटी में ईद मिलन पार्टी होगी? हाँ इधर हम क्लासें नहीं ले रहे, ईद मिलन पार्टियां रखेंगे इधर हैं। फास्ट ट्रैक वालों को बिरयानी नहीं मिली थी यार, वैसे अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा जबरदस्त आई का रिजल्ट आया, वैसे 29% है बाहर, 26-25% है, अल्लाह का शुक्र है अपने लड़के काफी पास हुए हैं। अल्लाह माफ करे जी, डिफरेंस निकाल, हाँ ऐसे भी कर सकते, नहीं प्लस करके टोटल 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 ये देख लो, फॉर द ईयर मैंने ऐसे निकाली, ये देख लो, हाँ फॉर द ईयर ऐसे निकाल, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है सेट हो गया। चलो जी आओ एक और सवाल देखते हैं, इस पे एक सवाल और देख लेते हैं सर। प्रैक्टिस हमने मंड मंड के करनी है, सुना है ना मंड मंड के, ये कहाँ सुना था ये वर्ड यार, याद नहीं आ रहा। बड़े कमीने हो तुम लोग यार, याद दिला दिया तुम लोग हैं। हाँ वो चाचा वाली वीडियो थी कि भाई इधर पतारा क्यों लगाते हम हैं। इसमें काम की चीज देखना, बाकी छोड़ देना।
दो मिनट, डराओ किधर है, डराओ क्या जिस रियल में कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का रेड लगी हुई क्यों? तो कीले निकली हुई, अच्छा है ना, कीले निकल गई हैं। अच्छा चलो यार, ये दो तीन लोग बोल रहे हैं तो मसला है इसका मतलब। चलो जी सर, परसेंटेज के डिफरेंस से निकाल के क्यों मना किया था? देखो रेवेन्यू हर साल चेंज हो रहा है ना, परसेंटेज के डिफरेंस से निकालोगे ना सही नहीं बैठेगा। बिल्स एंड कैश क्या होता है? देखो ये सीए फाइनल के सवाल है, आपने इसको इग्नोर करना है। जो चीज मैं इग्नोर करा रहा हूँ वो इग्नोर, ये इग्नोर, ये इग्नोर, बस आप कर लो सवाल को। शाबाश 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 मेरे बच्चों। एंट्रीज वगैरह अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। कर लिया
स्टेप वन करना लाजमी, या देखो उसने नंबर रखे होंगे इसके, नहीं करना नहीं करो, कोई टेंशन नहीं है, अगर जरूरत नहीं है ना, चार पांच नंबर का सवाल आता है, एक साल की वर्किंग करनी है तो नहीं करना, छोड़ देना। जी मेरे भाई, जी मेरा बच्चा देन कर लिया। जी मेरे बच्चों मैं करा दूं, चलो जी अब आ जरा दोस्त।
सर इसी को मैं मॉडल कर लूं। सबसे पहले मुझे बताएं सर, मेरे पास पहले साल का हिसाब किताब कितना जी? 1,60,000 का रेवेन्यू, फिर 168 का रेवेन्यू, फिर 78, फिर सर मेरे पास कितनी कॉस्ट है? 48 और 70 और लगेगी। फिर अब यहां देखो फर्दर एस्टिमेटेड है ना, ये दिमाग आंखें खोल के पेपर में काम करना। 1,02,000 और 2,500, फिर यही सर स्टेज ऑफ कंप्लीशन 35, 72 और 100। अब चेक करो यही आ रहे हैं सबके प्रॉफिट ऑफिट सारे, चेक कर लो, ऑटो कैलकुलेट हो गई है। आपको पेपर में ये इस्तेमाल करने की इजाजत है अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हो। एक सवाल पेपर में एक ही दफा आएगा ना, दो दफा तो नहीं आएगा नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी कैलकुलेशन में। हाँ कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। एक्सेल पे हाथ साफ करो, दो सॉफ्टवेयर पे हाथ साफ करो जिंदगी में, दुआएं दोगे। सर ने मशवरा दिया था एक्सेल पावर पॉइंट, पावर पॉइंट पे अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करो। अभी थोड़े टाइम में तुम फॉर्म जाओगे तो प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी चीजों को, ठीक है जी। डिफरेंट क्लाइंट्स के पास जाके डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, तो प्रेजेंटेशन पे हाथ साफ करो, ठीक है। और एक्सेल पे तो सुपर हाथ साफ होना चाहिए। मैं यार एक्सेल पे इतना काम करता हूं कि तुम्हारी सोच है, और मैं पावर पॉइंट पे इतना काम करता हूं कि हद है। मतलब मेरे दिन के तकरीबन कोई 10-12 घंटे एक्सेल और पावर पॉइंट पे निकलते हैं। चलिए अब गौर से देखिएगा बोर्ड पे जनाबे वाला। क्यों नहीं होता था भाई, क्योंकि पत्थर के जमाने के क्या है। लेकिन रिक्वायरमेंट वन को पूरा करें तो चारों स्टेप्स शो करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही, चारों स्टेप शो करने पड़ेंगे। अच्छा जी अब प्यारे बच्चों जरा दिमाग हाजिर रखना है, कुछ चीजें हम कवर करने जा रहे हैं, दिमाग हाजिर रखना है, ठीक है। हमने पढ़ लिया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, हमने पढ़ लिया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। चले जी जरा ध्यान देंगे सर, बताएं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का होता है? हैं जी कितने टाइप का होता है? दो। सर दो टाइप का होता है, एक प्रॉफिटेबल और एक लॉस मेकिंग। प्रॉफिटेबल इसमें आएगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। चाहे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट दोबारा देख लो सर, हमारे पास एक तो प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है जो आई पर 15 में आ जाएंगे, जो नहीं है प्रॉफिटेबल वो कहाँ जाएंगे। और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सर, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, पक्का। अच्छा जी अब मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं दोनों के बारे में बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप सबसे पहला काम क्या करोगे? ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। ऐसे ही किया आपने? अच्छा ओवरऑल प्रॉफिट आपने कैसे कैलकुलेट किया? टोटल रेवेन्यू निकाला, टोटल कॉस्ट रखी, यानी जितना कॉस्ट इनकर्ड है फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट रखी, प्रॉफिट निकाल लिया। उसके बाद स्टेप टू क्या निकाला आपने? स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन दो तरह हो सकती है, आउटपुट या इनपुट। आउटपुट के बेसिस पे हमेशा पेपर में गिवन होगा। इनपुट की बेसिस पे क्या होगा? कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। तीसरा काम आपने क्या करना है? इसी स्टेज ऑफ कंप्लीशन को अप्लाई करना है किस पे? एज एट पीएल पे। एज एट पीएल बनाने के बाद क्या करोगे? फॉर द ईयर पीएल बनाओगे। ये स्टेप्स याद रहेंगे, दिमाग में रहेंगे। अच्छा उधर क्या करना है आपने? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पे भाई लैपटॉप और कैमरा की स्क्रीन नहीं आ रही है, क्या मतलब? दिमाग खराब है क्या? दोबारा रुको एक मिनट, दोबारा रुको। दो मिनट मेरा बच्चा, दो मिनट मेरी शक्ल आ रही है खाली। अच्छा सॉरी,
अब आ रहे भाई, अब आ रहे, दोबारा से बता दे, अब आ रहे साहब, तो नहीं हुआ। चलो जी, हाँ भाई, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? कंस्ट्रक्शन दो कॉन्ट्रैक्ट्स है सर, पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा, पीछे पीछे। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के सर, एक प्रॉफिटेबल, दूसरा लॉस मेकिंग। जो प्रॉफिटेबल है उसमें या तो लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट या लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, यही है पक्का। जो लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपने सबसे पहला काम क्या करना है, ओवरऑल प्रॉफिट चेक करना है। ओवरऑल प्रॉफिट कैसे आएगा सर? टोटल रेवेन्यू निकाल लेंगे, कॉस्ट इनकर्ड निकाल लेंगे, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल लेंगे सर। फिर हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन या तो पेपर में गिवन होगा आउटपुट बेसिस पे, या आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा इनपुट बेसिस के ऊपर, यानी कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट। सर जो कॉस्ट स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट कर लिया तो एज एट पीएनएल बनाना है, और फिर उसके बाद फर्दर ईयर पीएनएल बनाना है। उसके बराबर में क्या है सर? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। पहला काम क्या करना है सर उसके अंदर? यूनिफॉर्म रेवेन्यू थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट आपने बुक करना है। फिर सर कॉस्ट मे बी मे नॉट बी यूनिफॉर्म, ठीक है जी। और फिर सर हमारे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन टाइम बेस्ड है, यानी सर आपने जितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है डिवाइड बाई टाइम आपने रेवेन्यू निकाल लेना और प्रॉफिट बुक कर लेना है। डन पक्का? ये देख लोगे छोटी सी ये स्लाइड्स याद रहेंगी तुम्हें पक्का जी। उसको मैं यहां से उठा रहा हूं, दोनों स्लाइड्स को कॉपी कर रहा हूं। सही, ताकि आपके पास पीडीएफ में मौजूद रहे, ठीक है। नोट डाउन कर ले उसको, नोट डाउन कर ले। फर्स्ट स्लाइड में क्या है? फर्स्ट स्लाइड को छोड़ दो, फर्स्ट स्लाइड पे अभी हम पहुंचे नहीं। अच्छा जी सर, मैं 5:40 पे क्लास ऑफ कर दूंगा, 5:40 पे क्लास ऑफ कर दूंगा। कैसे चार दो गए? उठो यार, 17 मिनट रह गए दादा, खत्म करो। हैं, अल्लाह माफ करे। नहीं, मुझे पता, मजाक कर रहा हूँ। वो देखो नशई ने कितनी मुश्किल से क्लास ली है, इसको इसी चीज पे अवार्ड मिलना चाहिए। लड़ रहा है जिंदगी से। तो मैं कह रहा हूँ पीछे क्या देख रहा है तू, इसी कह रहा हूँ। हाँ, लड़ रहा है यार, बस निकल जाए टाइम किसी तरीके से। है? रात से लेक्चर देख रहे हो? क्यों? अच्छा, चलो पेंडिंग है। तीसरी शादी की पोस्ट कब लगाएंगे? जल्दी, अगले साल इंशाल्लाह। सर इस टॉपिक से इररिलेवेंट एक क्वेश्चन है, जब हम लोग कॉपी करें आप बता दें इन्वेंट्री को रिवैल्यू हर ईयर एंड पे करते हैं। नहीं बेटा, इन्वेंट्री को बिल्कुल रिवैल्यू नहीं करते हम, या सिर्फ हमें एनआरवी गिरने का खौफ हो इस साल रिवैल्यू करते हैं। नहीं बेटा, हम कभी भी रिवैल्यू नहीं करते, हम सिर्फ उसकी एनआरवी चेक करते हैं। अगर एनआरवी कॉस्ट से नीचे आ गई होती है तो हम उसको उसको जो है फिर उस पर हम जो है वो लॉस बुक करते हैं, बाकी हम कभी भी इन्वेंटरी को रिवैल्यू नहीं करते। मेरे शराब की शादी क्यों करेंगे? मेरी मर्जी भाई, और क्या रह गया क्या दुनिया में? सब काम तो कर लिया हमने, सब 12 साल हो गए, क्वालिफाई कर लिए, घर बना लिए हैं। क्या जिस चांद को हम जमीन पे ला रहे ना तीसरी दफा? हाँ जी, इसमें नहीं बीबीएमबी में पता ही नहीं होता। एक बंदा एमबीए का था, आईबीएस से उससे एमबीए किया था, वो मेरे पास आया, उससे मैंने इंटरव्यू ले रहा था, मैं सीएफओ था उस कंपनी का। तो उससे मुझे, मैं उसको कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं दुनिया में, कहते हैं 110 तो होंगे, पता चल गया मुझे। उनको अकाउंटिंग पूरी पढ़ाते हैं, लेकिन उनको अकाउंटिंग इस तरह नहीं पढ़ाते, उनको स्लाइड्स पे पढ़ाते हैं। जी मेरे बच्चों, सर ये स्लाइड सेंड कर दिएगा, ये डाल दिए ना बेटा इस पे स्लाइड्स, ये डाल दिए इस पे, ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त।
अच्छा नया कॉन्सेप्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, अगर तैयार हो तो। तैयार हो? सर कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर IAS हमारे पास 41 है, ठीक है जी, जिसमें से तकरीबन 17 के करीब जिंदा है, बाकी सब मर गए, और IFRS अब तक 17 आ चुके, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ IFRS और IAS नहीं होते, SIC होती थी पहले, SIC स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी मिनट्स, यानी आपको कोई इशू आ गया, आपने ISB को लेटर लिखा कि भाई मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा एक चीज का, तो उन्होंने उस पर बैठ के बहस की और एक नई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट निकाल दी। तो 32 SIC मौजूद थे, अब सिर्फ 2 रह गए, ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड्स में मर्ज हो गए, ठीक है। अब आते हैं IFRICS, ठीक है जी। IFRICS क्या है सर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी मिनट्स, ठीक है जी। वो आ चुके हैं 23 IFRICS आ चुके हैं, उस 23 IFRICS में से 17 के करीब जो है वो जिंदा है, बाकी 6 खत्म हो चुके हैं, ठीक है जी। क्या सर आपने सारे पढ़े हुए हैं? हाँ बेटा मेरी मजबूरी है, मैंने सारे पढ़े हुए हैं, क्योंकि मैं पूरा CA फाइनल पढ़ाता हूँ और CA फाइनल में सब कुछ टेस्ट होता है। किसमें गलती है? एक्सेप्शन से क्या मुराद है? नहीं देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए नहीं बने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने प्रैक्टिकल लाइफ के सिनेरियोस को हैंडल करने के लिए। और फिर याद रखो कि एक चीज होती है प्रोफेशनल जजमेंट, क्या होती है? जब तुम ऑडिट आके पढ़ोगे ना, तो मैं प्रोफेशनल जजमेंट पढ़ाता हूँ और मैं कहता हूँ जनाब एक हमारे पास है कुरान पाक, एक हमारे पास है अहदीस, ठीक है ना, ऐसे ही है ना, और फिर इसके बाद है हमारे पास अहले बैत और सहाबा की जिंदगी, ठीक है ना, तीन तीन चीजें जिससे हम प्रैक्टिसेस निकालते हैं कि जी क्या करना चाहिए एक मखसूस मसले में, ठीक है जी। सबसे पहले कुरान उठा के देखो, कुरान में चीजें जो है वो मतलब इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा का मतलब ये कि हदीसें पढ़ना लाजमी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो अल्लाह के हुक्म से फरमाया, तो नहीं हदीस मतलब आप कुरान एक्सप्लेन हदीस से ही हो सकता है, क्योंकि जिस पे कुरान नाजिल हुआ है वो वही सबसे ज्यादा बेहतरीन उस्ताद है कि जो आपको सिखा सकेगा कि अल्लाह का मकसद क्या था इस आयत का, तो वो हदीस है, वो हदीसें आप पढ़ते हो। अब एक मसला आया, क्रिप्टो करेंसी का कारोबार जायज है कि नहीं? देखो ना ये कुरान में लिखा है, ना ये हदीसों में लिखा है, ना सहाबा और अहले बैत की जिंदगी से चीज, हाँ लेकिन उनके जो रूल्स हैं, जो उनकी जिंदगी गुजारने के उसूल हैं, वो आप इस ट्रांजेक्शन पे अप्लाई कर सकते हो। ये क्या है? ये है एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है जी। तो जब आप अकाउंटिंग पढ़ते हो तो अकाउंटिंग में जो चीजें लिखी हैं वो IAS में लिखी हैं, IFRICS में लिखी हैं, SICs में लिखी हैं, लेकिन सर जब आप एक पर्टिकुलर सिनेरियो उठाते हो वो एग्जैक्ट स्टैंडर्ड में नहीं लिखा होता कहीं, आप उसको उस पर स्टैंडर्ड की सारी नॉलेज अप्लाई करते हो, मे बी एक ट्रांजेक्शन पे 10 IAS अप्लाई हो रहे, एक ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 IAS अप्लाई हो, मैंने अमरूद बेचे और कॉन्ट्रैक्ट किया कि इसको मैं वापस खरीदूंगा, ठीक है जी। अब बताओ कौन सा स्टैंडर्ड है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, IFRS 9 है। हम लोग तो सर अमरूद बेचे तो सेल हो गई ना? नहीं भाई सेल नहीं हो गई, आपने उसको वापस खरीदने का क्या कर लिया? अग्रीमेंट कर लिया। अक्सर बेचते जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक एसेट है, ये रिमोट कंट्रोल है मेरे हाथ में जिनको नजर नहीं आ रहा, ठीक है, ये मैंने फवाद को दिया, बेच दिया 100 रुपए में, ठीक है जी। और फवाद से 100 रुपए लेने के बाद मैंने कहा फवाद एक साल बाद मैं आपको 110 रुपए दूंगा, मेरा रिमोट मुझे वापस चाहिए, तो मैंने टेक्निकली फवाद से उधार लिया और गिरवी क्या रखवाया? रिमोट रखवाया। आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? सेल हुई और फिर परचेज होगी, जो तुम लोग बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हो, दुनिया इससे बहुत आगे, ठीक है जी। दूसरे स्टैंडर्ड आगे रिप्लेस कर दिया गया उसको, बेटर है? नहीं पढ़ा रहे हम, नहीं पढ़ा रहे ऐसी कोई चीज, नहीं 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 है, गवर्नमेंट ग्रांट ऑब्सोलीट नहीं हुआ, सो चेंजेस अभी तक अप्रूव नहीं हुए, अप्रूव नहीं हुए। जैसे एक IS-4 था, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का था, बजाय उसमें चेंजेस करने के उन्होंने क्या कि एक नया स्टैंडर्ड ही लिया, इतने चेंजेस करे उन्होंने कहा नया ही लिया, पुराने को खत्म कर दिया। फिर क्या आया? IFRS 16 आ गया। अब IFRS 18 और 19 आने वाले, वो PPE से रिलेटेड है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अच्छा हम आगे पढ़ लें, यकीन करो यार, एक डॉक्टर ऑपरेशन कर गया, उससे पूछ रहे हो बच्चा कितना है, बच्चे का हाथ कितना लंबा है चौड़ा है, रुक जा भाई। अच्छा जब मुझे एक बात बताओ, नया टॉपिक स्टार्ट करें या खत्म करें? आप दोनों ऑप्शन दे सकता हूँ मैं आपको। हाँ जी,
हैं। चलो हम एक एक छोटा सा टॉपिक वैसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद उसको ऑफ करते हैं। रुक जाओ, एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ और सुनो, एक बात सुनना अच्छे तरीके से प्लीज सर। मुझे एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे एक बड़ी बेसिक सी एक चीज पूछूं कि स्टैंडर्ड कहता है जनाब आप रेवेन्यू जब बुक करो जब आप गुड्स का कंट्रोल क्या कर दो, हैंडओवर कर दो कस्टमर को। ऐसा अब सुनो, यही है, स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन अटक गई है, रुक जाओ, रुको मैं लेकर आता हूँ स्क्रीन, लेकर आता हूँ। अब आगे स्क्रीन, चलो सर कंट्रोल जब ट्रांसफर होगा तब आपने रेवेन्यू बुक करना है, डन। अच्छा स्टैंडर्ड में लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीजें डायरेक्टली नहीं लिखी है। स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई आपने जब गुड्स, जब रेवेन्यू बुक करना है जब कंट्रोल ट्रांसफर कर दो, लेकिन 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 अगर 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 लेकिन अगर आप काम कर रहे हो, कंपनी इज परफॉर्मिंग, आप काम कर रहे हो, कंपनी इज परफॉर्मिंग एंड बेनिफिट ऑफ सर्विसेज आर, ये बेनिफिट ऑफ सर्विसेज इज यूटिलाइज्ड साइमल्टेनियसली, रेकग्नाइज रेवेन्यू ओवर टाइम। इसका उर्दू में मतलब समझो, आपने मिसाल के तौर पर राजन कंपनी बनाई है, कौन सी कंपनी, राजन कंपनी, राजन कंपनी का काम क्या है, बंगी सप्लाई करना, क्या सप्लाई करना, बंगी सप्लाई करना। आपने घर पे कोई बंगी अपॉइंट करवाना है, इलाके में बंगी अपॉइंट करवाना, राजन कंपनी के पास जाए वो आपको बंगी दे देगा, बंगी आके करेगा क्या, बंगी आके कोई इमारत बनाएगा, कोई एसेट बनाएगा, कोई चीज कंस्ट्रक्ट करेगा, क्या करेगा सर, बंगी जब झाड़ू मार रहा होगा उसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा, 3 साल बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद, सर इमीडिएटली मिल रहा होगा, इमीडिएटली मिल रहा होगा, तो बंगी के काम का बेनिफिट हमें कब मिल रहा होगा, तो मुझे बताओ राजन कंपनी जब आपको सर्व कर रही है तो आप उसका बेनिफिट इमीडिएटली ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तो बताओ राजन कंपनी अपने रेवेन्यू को उस दिन बुक करे जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो या साथ साथ बुक कर दी जाए, साथ साथ बुक कर दी जाए, ऐसा है, ऐसा है सर। अब जरा दिमाग लगाओ, एक केबल वाला वो आपको सर्विस दे रहा है, केबल चल रही है आपके घर में, ऐसा क्या केबल सर्विस वाला आपके घर में कोई एसेट खड़ा करता है, नहीं सर, आपको क्या दे रहा है, सर्विसेज दे रहे हैं, और सर्विस का बेनिफिट हम कैसे ले रहे हैं, जब दिल करता है टीवी खोल के देख लेते हैं, वो कहता है पूरे महीने आपको केबल दूंगा, हमें जब दिल करता है हम टीवी खोल के देख लेते हैं, क्या उसके केबल की सर्विस कहीं जमा हो रही है, नहीं सर, तो मुझे बताओ सर उसके उसके सर्विस का बेनिफिट हम कैसे ले रहे हैं, इमीडिएटली ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, इमीडिएटली ले रहे हैं, तो सर स्टैंडर्ड कहता है अगर आप एक कंपनी सर्विस दे रही है और उसका बेनिफिट कस्टमर इमीडिएटली लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट के एंड तक का टाइम नहीं, जैसे जैसे काम करते जाओ रेवेन्यू बुक करते जाओ। अब बताओ राजन कंपनी को रेवेन्यू कैसे बुक करना चाहिए, ओवर टाइम या एट द एंड ऑफ द टेन्योर, ओवर टाइम सर, साथ साथ बुक कर लो, ऐसा। अब बताओ सर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कंपनी को मेंटेनेंस का जो है वो ठेका दिया हुआ है, वो आगे एआरटीटी के मेंटेनेंस करती है, सफाई सुथराई एसी एसी सब, अब मुझे बताओ वो जो मुझे बेनिफिट देती है उसका बेनिफिट, काम करती है उसका बेनिफिट मुझे इमीडिएटली मिल रहा है, यस सर, तो मुझे एक बात बताओ सर उस कंपनी को रेवेन्यू इमीडिएटली बुक करना चाहिए नहीं, ओवर द पीरियड बुक करना चाहिए या 3 साल बाद, ओवर द पीरियड, ऐसा, ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों, ऐसा है केस टू। और तो सुनो, नहीं काम पैसे मिलना एक अलग चीज है, पैसे बाद औकात रेवेन्यू से पहले मिल जाते हैं, पैसे बाद औकात रेवेन्यू के बाद मिलते हैं, लेकिन पैसे मिलना हमारे लिए रेलेवेंट नहीं, हमारे लिए रेलेवेंट क्या है कि आप सर्विस दे रहे हो तो उसका उसका रेवेन्यू इमीडिएटली बुक होना चाहिए, ठीक है जी। तो बताओ आइंदा के बाद सारे लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पहले पॉइंट में कवर हो जाएंगे, आइंदा के बाद सारे लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पे हमें पता चल गया कि हम रेवेन्यू ओवर द पीरियड क्यों बुक करते हैं, इसलिए बुक करते हैं कि सर जो रेवेन्यू जो सर्विस हम दिए जा रहे हैं उसका बेनिफिट कस्टमर इमीडिएटली लिए जा रहा है, ऐसा। अब बताएं सर जो हम टीचिंग करते हैं, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ उसका बेनिफिट आप इमीडिएटली ले रहे हो, ऐसा
तो सर इसका मतलब क्या है, मुझे रेवेन्यू कैसे बुक करना चाहिए, ओवर द पीरियड बुक करना चाहिए ऐसा। लेकिन अब आ गया बड़ा मसला, अब वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आ गए, बाज़ औक़ात रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए जाते हैं आपको, तो रेवेन्यू उसी वक्त बुक कर लेना चाहिए जब रिकॉर्डेड लेक्चर आपको हैंड ओवर किया जाए, ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको एक फिजिकल एसेट दिया ना। खैर अब इसमें बहस नहीं कर रहे, लेकिन मुझे एक बात बताओ सर, हमारे घर में मासी आती है काम करने के लिए, उसके काम का बेनिफिट हम कैसे ले रहे हैं, साइमल्टेनियसली ले रहे हैं, तो मुझे बताओ सर अगर साइमल्टेनियसली ले रहे हैं तो उसको रेवेन्यू कैसे बुक करना चाहिए मासी ओवर द पीरियड ऐसा। अब और तो सुनो, और सुनो और सुनो और सुनो, कंपनी इज परफॉर्मिंग एंड एन एसेट इज क्रिएटिंग व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द कस्टमर। सर मैं एक एसेट बना रहा हूं, अब काम मेरे बेनिफिट, काम का बेनिफिट इमीडिएटली कस्टमर नहीं ले रहा, मैं एक एसेट बना रहा हूं और वो एसेट डे वन से किसके कंट्रोल में, कस्टमर के कंट्रोल में, तो मुझे रेवेन्यू स्टैंडर्ड कहते हैं कि कैसे बुक करूं आहिस्ता आहिस्ता। इसकी एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पर एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हूं, ठेके पे मैंने जो है वो आपको बिल्डिंग बना के देनी है, जमीन किसकी है, कस्टमर की, जमीन किसकी, बिल्डिंग कौन बना के दे रहा है, मैं बना के दे रहा हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि बिल्डिंग मेरे कंट्रोल में, नहीं, क्यों, ऐसा तो नहीं होता ना शाम को मैं बिल्डिंग के पहिए लगा के घर ले जाता हूं, किसके कंट्रोल में बिल्डिंग, कस्टमर के कंट्रोल में डे वन से। तो जैसे जैसे काम करते जाओ रेवेन्यू बुक करते जाओ। सर मैं एक शिप बना रहा हूं, कहां पर, कस्टमर की प्रेमिसेस पे, किसके, कस्टमर की प्रेमिसेस पे, ऐसे डे वन से किसके कंट्रोल में, कस्टमर के। फर्नीचर बना रहा हूं, अभी हमारे घर में काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, वो लकड़ारा आता है वो सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर में काम कर रहा होता है, वो वहीं पे सारे जो है वो चीजें बना रहा है, तो मुझे बताओ वो सारे एसेट्स किसके कंट्रोल में। तो बताओ सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम काम करें और ऐसे डे वन से कस्टमर के हाथ में हो, तो बताओ हमें रेवेन्यू कैसे बुक करना चाहिए, थोड़ा 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 थोड़ा, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से, एक साथ सारा नहीं, कैसे, थोड़ा थोड़ा, कैसे, थोड़ा थोड़ा। आप बताओ सर अगर एक फर्नीचर है, मैं अपनी दुकान पे बना रहा हूं, अपनी दुकान पे बना रहा हूं, कस्टमर की दुकान पे नहीं बना रहा, तो क्या मैं रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा करके बुक कर सकता हूँ, नहीं सर, फिर मुझे रेवेन्यू कैसे बुक करना है साइमल्टेनियसली। अब बताओ मैंने तुम्हें दो केसेस बताया जिसमें रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता बुक करना है, कब, एक आप या तो काम करो उसका बेनिफिट कस्टमर इमीडिएटली ले, और नंबर टू आप काम करो उससे एक एसेट क्रिएट, और वो डे वन से किसके कंट्रोल में, कस्टमर के कंट्रोल में। बेटा इसके आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा और, ठीक है जी, मैं ऑफ कर रहा हूं। ये दोनों केसेस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के, एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का था एक, सही, इसको अगली क्लास में डिटेल में देखना है, लेकिन मुझे बताओ मैंने आपको इतना तक समझा दिया कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू कैसे बुक होता है, प्रॉफिट कैसे बुक होता है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे बुक होता है, पक्का। अच्छा जी, ये आपको जो है ना वो पीडीएफ अभी उमामा दे रहा हूं, देख निकाल लोगे ना। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, और पेशगी मुबारक, अल्लाह आपको जो है वो दूध वाली चाय पिलाए। चार्जर, कौन सा चार्जर, ओके, ये क्या था बेटा, चार्जर निकालना तुमने, पूरा स्पीकर में निकाला, ये चार्जर इतना मोटा हो सकता है तुम्हारा चार्जर है, चार्जर ऐसे कर लो। नहीं पहले रिजर्वेशन था, फिर मैं अभी नहीं आता था। सिर्फ इतना सा बड़ा है ना, नहीं नहीं एक और पेज है ना, मैं तो बोलूं आनंद सारी नोट पिछली कहां पर सेव करूं, डेस्कटॉप पे किस नाम से, नाम क्या, डेट क्या, फाइल्स 15 लिखो क्लास 2।
मीटिंग एंड नहीं हुई कर दूं क्या? हां एंड कर दूं।